अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छुहारों के लड्डू, छुहारों के मज़ेदार से यमी से लड्डू, जो कि हमारे मौसम में कुव्वत मुदाफ़ती पैदा करते हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं, यमी से होते हैं। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, गर्म भी होते हैं। इसमें तकरीबन हमने जो जो चीज़ें ली हैं तकरीबन सारी ही ताकतवर चीज़ें हैं। इसको आप बना के खाएंगे, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं, सर्दियों के लिए बहुत अच्छे हैं, छोटे बच्चों के लिए। और हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, हम उनको भी अगर कोई खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उनको भी हम एक उसका लड्डू दे देते हैं और दूध दे देते हैं कि उनकी पूरी सारा दिन की तवानाई होती है पूरी हो जाती है। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए मेरे लिए तकरीबन 20 से 25 मैंने छुहारे लिए हैं, 3 चम्मच मैंने अखरोट लिए हैं, 2 चम्मच मैंने लिए हैं पिस्ते, 3 अदद छोटी इलायची के मैंने दाने लिए हैं, 1 चम्मच मैंने लिया है गुड़, आधी प्याली मैंने लिए हैं भुने हुए चने, आधी प्याली लिया है शहद। तो हम छुहारों को छोटी इलायची को भुने हुए चनों को मिक्सर में डाल के इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, फिर हम इसके आगे आते हैं। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं कि अपने लड्डू किस तरह से बनाते हैं। तो चलें, आप चॉपर में डाल के मिक्सर में डाल के अपने उसको छुहारों को पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। छुहारों को हमने खोल के इसमें से बीच में से गुठली निकाली है, देखिए सारे छुहारों में से हम पहले इसमें से गुठली निकाल लेंगे, गुठली निकाल के फिर हम इसमें डाल देंगे मिक्सर में। छुहारों को और हमने चनों को और गुड़ को मिला के अच्छे से मिक्सर में करके पाउडर फॉर्म में कर लिया है। देखिए साथ ही हमने इलायची के दाने भी इसमें डाल के ग्राइंड कर लिए हैं, अच्छे से पाउडर बना लिया हमने। अब हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हम अपनी मर्जी पे है कि हम डालें या ना डालें, इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं, कोई और से ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, ये जड़ डालना चाहते हैं ये भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम को अच्छे से इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखें छुहारे हैं, चने हैं भुने हुए और हमने इसके अंदर डाले हैं क्या छोटी इलायची के दाने पीसे हैं और गुड़। ठीक है, अब हम इसमें मिला देंगे शहद। शहद अगर आप मीठा तेज़ रखना चाहते हैं तो ज़्यादा मिला दें, अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल मीठे के लिए आधी प्याली शहद बिल्कुल सही रहेगा, मीठा अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को मैंने पिस्ते और अखरोट लिए हैं छुहारों के लड्डू के लिए, उनको मैंने ग्लैंड नहीं किया, उनको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा कोट के डालूंगी, मुँह में आते हैं अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आप उसको पाउडर फॉर्म में, इस तरह से हमने छुहारों को ग्लैंड किया इसी तरीके से छुहारों के साथ ही आप उसको भी ग्लैंड कर लीजिएगा। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें, इससे ज़्यादा भी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, के अंदर तमाम मसाले डाल के जो कुछ हमने डाला था ड्राई फ्रूट शहद डाल के सबको चॉप कर लिया था अच्छे से हमने, अब उसको हमने मिक्स कर लिया। अब हमने अच्छे से अपने हाथ धो लिए। ठीक है, अपने हाथों को हम हल्का सा इस तरीके से घी से चिकना कर लेंगे और फिर अपनी पसंद के हम इस पर लड्डू बनाएंगे। देखिए मैं इसको छुहारों का ही शेप दे रही हूँ, आप जो भी शेप देना चाहते हैं ये देखिए बड़ी आसानी से बन जाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही यमी से होते हैं, सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों में दिल चाहता है कि खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, तो ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसमें ना कोई घी तेल डलने का कोई झंझट है, ना घी डलेगा, ना मक्खन डलेगा, ना इसको पकाना है, बस इसको चॉप करना है। चॉप करके इसको आपने सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप अपनी पसंद से इसको शेप दे सकते हैं, आपको जो भी शेप पसंद हो। मैंने इसे छुहारों का ही शेप दिया है क्योंकि ये छुहारों की मिठाई है, मैं इसको छुहारों का शेप दिया। छुहारों के लड्डू बिल्कुल रेडी हैं, अब
खुद जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। बहुत ही मज़ेदार हैं, यमी से हैं, सर्दियों में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। खाने के बाद दिल चाहता है कुछ मीठा खाने के लिए। मैं इसको सफ़ेद तिल से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो उसको किसी से गार्निश कर लीजिए। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनसे खाना नहीं खाया जाता है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। जोड़ों के दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं, यमी से। और सर्दियों से वैसे भी दिल चाहता है छोटों का बड़ों का कि खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। तो हाँ, ये लड्डू आप बना के रख लें फ्रिज में आराम से। इसको 10 से 15 दिन हम रख के इसको खा सकते हैं। तो आप इसको बनाकर एक साथ रख लें, फ्रिज में सेव कर लें। ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि इसमें पकने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत ही मज़े के रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।